तीसरी बार मोदी सरकार मोदी 3.0 में कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, अब उसकी कुछ कुछ तस्वीर सामने आने लगी है। मोदी कैबिनेट में केरल का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। सूत्रों के मुताबिक त्रिशूर से जीते बीजेपी सांसद सुरेश गोली को कॉल जा चुका है। सुरेश दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। सुरेश गोपी बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण के लिए 3 बजे तक सुरेश जो हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। पहली बार केरल में बीजेपी का इस बार खाता खुला है। एक सीट आई है केरल के त्रिशूर से। सुरेश गोपी जीतकर संसद पहुंचे हैं। अब उनको मोदी कैबिनेट में जगह दी जा रही है और केरल का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, क्योंकि खाता पहली बार बीजेपी का केरल में खुला है। तो दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सुरेश गोपी। ये बड़ी जानकारी आ रही है। और अब देखिए मोदी 3.0 में कैबिनेट का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, उसी की पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विकास चंद्रा जुड़ गए हैं, राहुल डबास जुड़ गए हैं और साथ ही मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा बताइए, अब तो पिक्चर क्लियर होनी शुरू हुई है, क्या बड़ी बातें आप इसकी देख रहे हैं अभी तक जो तस्वीर सामने आई है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि 7 LKM जो प्रधानमंत्री का आवास है, वहां अब सांसदों के जो मंत्री बनाए जाएंगे उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले गिरिराज सिंह पहुंचे हैं और देखिए 2-3 चीज़ें बहुत ही रोचक है कि एक तरफ ललन सिंह नीतीश कुमार के आवास पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो अनुप्रिया पटेल राजनाथ सिंह के यहाँ गई हैं, जीतनराम मांझी अमित शाह के यहाँ गए थे, तो आखिर ये कुछ अलग कहानी बयान कर रही है। लेकिन एक और भी रोचक की जो केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला और इकलौते सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, वो 3 बजे गोगोपी जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी को भी कॉल चला गया है, जी किशन रेड्डी को भी चाय पे बुलाया गया है, यानी ये कंफर्म है कि हरदीप सिंह पुरी जी किशन रेड्डी भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव का नाम पहले ही आ चुका है, पीयूष गोयल का नाम, किरेन रिजिजू, राजनाथ सिंह, उसके बाद राजनाथ सिंह के साथ ही फोन आया था नितिन गडकरी को, तो ये जितने वरिष्ठ मंत्री हैं उन निर्मला सीतारमन, इन सभी लोगों को कॉल जा चुका है। साथ ही जो सहयोगी दल है उसमें सिर्फ JDU के रामनाथ ठाकुर को फोन गया है अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है। हाँ। और ललन सिंह या किसी दूसरे को फिर फोन जाएगा, वही जयंत चौधरी भी फोन कॉल उनको जा चुका है। जेडीयू कोर्ट से रामनाथ ठाकुर को फोन गया है, ललन सिंह को अभी फोन नहीं गया है। आपका ये कहना है कि ललन सिंह को फोन जा सकता है, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, गिरिराज सिंह भी फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरिराज सिंह को भी मंत्री पद की शपथ के लिए कॉल गया है और गिरिराज सिंह पहुंच भी गए हैं, पीएम आवास पर पहुंचे हैं। अभी अभी विकास चंद्रा ने हमें ये जानकारी दी है, थोड़ी देर बाद 11:30 बजे पीएम आवास पर चाय पार्टी का आयोजन किया गया है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी चाय पर बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और जो पहुंचेगा तो ये समझ लीजिए वो चेहरे कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। विकास, आपने बोला सबसे पहले इस चाय पर चर्चा के लिए गिरिराज सिंह पहुंचे हैं, गिरिराज सिंह के अलावा और कौन कौन? गिरिराज सिंह को फिर से रिपीट किया जा रहा है मंत्रिमंडल में? ये देखिए 11:30 बजे का टाइम दिया गया है जिन लोगों को चाय पर बुलाया गया है। एक परंपरा है, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो गुजरात भवन में रुके थे, तो वहाँ भी जिनको मंत्री बनाया जाना था उन सभी लोगों को गुजरात भवन में वो चाय पर बुलाए थे। 2019 में भी वो चाय पर बुलाए और इस बार भी चाय पर बुलाए हैं। और एक अपने देश में परंपरा है कि जो प्रधानमंत्री बन रहा होता है वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों को चाय पर पहले आमंत्रित करता है, उनके साथ बातचीत करता है। देखें, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई सूची नहीं जारी की गई है, न दिया गया है कि कौन से लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, सहयोगी दलों से कितने हैं और बीजेपी से कितने हैं। लेकिन जिन लोगों को फोन कॉल गया है उसके बाद जो जानकारी आ रही है तो वही जानकारी अभी तक है और अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो जानकारी मिली है अभी तक 6 लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे पहले गिरिराज सिंह ही पहुंचे हैं, क्योंकि जो 7 LKM है प्रधानमंत्री का आवास उसका प्रवेश द्वार दूसरी तरफ है और उधर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है सुरक्षा कारणों से, और जिधर हम लोग खड़े हैं तो इसी रास्ते सारे मंत्री बनाए जाने वाले लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो जैसा मैंने पहले कहा कि अभी जिसके नाम पे सबसे ज्यादा अटकल जेडीयू से लगाई जा रही थी ललन सिंह की, तो वो नीतीश कुमार के पास बैठे हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि शायद उनको अभी तक फोन नहीं गया है। लेकिन बाकी सहयोगी दलों को फोन चला गया है और यहां तक कि कुमारस्वामी को लेकर के उनके जो दिल्ली का जो उनका आवास है वहां पर जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है और उसकी तस्वीरें भी आने लगी हैं, तो थोड़ी देर में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और वो आंकड़े भी सामने आ जाएंगे, नाम भी सभी सामने आ जाएंगे कि कितने लोग और कौन कौन से लोग इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और मोदी किसको मंत्री बनाने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बात समझने वाली होगी कि इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ये एक बैसाखी वाली सरकार है, मिली जुली सरकार है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ठीक है। बड़ी जानकारी विकास हमें देते हुए, जानकारी ये कि सांसद ललन सिंह को मोदी कैबिनेट का वो हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अभी फोन नहीं गया है, अभी कॉल नहीं गया उन्हें।
जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को कॉल गया है, मंत्री पद की शपथ के लिए कॉल जा चुका है। ललन सिंह अभी नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। मोहित बख्शी का रुख करते हैं। मोहित, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? रामनाथ ठाकुर को फोन किया है, ललन सिंह को फिलहाल चिराग पासवान फिलहाल मैं से प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने आज गुरु मंत्र लेंगे, प्रधानमंत्री को आप गुरु मानते भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? अभी से प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ। आराम आराम। क्या चाहेंगे? तो देखिए चिराग 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 मंत्री पद क्या बात हुई है? कौन क्या मंत्री मंत्र चिराग पासवान अभी जो चिराग है वो चल गए हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगे शाम को, लेकिन अभी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास से निकल गए हैं और उनके आवास पर अब प्रधानमंत्री आवास पर जा रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीरों में, हमने पूछा उनसे कि आप गुरु मंत्र लेने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल प्रधानमंत्री के पास जा रहा हूँ क्योंकि गुरु मानते हैं वो उनको। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीधे तौर पर कि वो अभी शामिल होने जा रहे हैं, यानी वो शाम को मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे LJPR की तरफ से। तो मोहित बख्शी हमें बताते हुए कि चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो जा रहे हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे हैं 11:30 बजे, जो चाय पर बातचीत के लिए बुलाया गया है। मैं राहुल डबास का रुख करती हूँ। राहुल भी लगातार बड़ी खबरों में बने हुए हैं। राहुल देखिए, अभी चिराग पासवान निकल गए हैं, उधर ललन सिंह को फोन नहीं आया, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास आ रही है? देखिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त TDP सांसद के घर पे, राम मोहन नायडू के घर पे मौजूद हूँ और ये सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं क्योंकि 16 सीटें जीत कर आई है TDP की। बात करें 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, यानी 2/3 के आसपास आंध्र प्रदेश की सीटें TDP के पास है। और निश्चित तौर से इनकी उम्र की बात करें सिर्फ 36 साल है, 3 बार के सांसद है, 14 में जीत कर आए, 19 में जीत कर आए और 24 में जीत कर आए। और उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तब मीडिया से मुखातिब होऊंगा, लेकिन संभावना ये है कि प्रधानमंत्री के साथ चाय पे चर्चा के बाद वो सीधा दिल्ली के हवाई अड्डे पहुंच जाएंगे और वहां चंद्रबाबू नायडू को रिसीव भी करेंगे। तो निश्चित तौर से इस बार दक्षिण का महत्व रहने वाला है और दक्षिण के या पूरे कैबिनेट की बात करें सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं जिन जहां पे मैं मौजूद हूं सिर्फ 36 साल की उम्र में। जी ठीक है राहुल, जो TDP है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो TDP है वो NDA में BJP के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल है, उसके बाद JDU का नाम आता है। 16 सांसद TDP के, एक MOS और एक केंद्रीय मंत्री पद TDP को मिलने जा रहा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी आज लगातार 3री बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के पास फोन भी आने लगे हैं, अब लोग मिलने के लिए, जो सांसद मिलने के लिए प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री आवास पर भी जा रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह को फोन आ गया है, वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी आ रही है कि जो CCS वाले मंत्रालय है वो BJP अपने पास रखेगी, जिसमें वित्त मंत्रालय आता है, जिसमें रक्षा मंत्रालय आता है, गृह मंत्रालय आता है, विदेश मंत्रालय आता है, ये CCS मंत्रालय है। ऐसा कहा जा रहा है कि CCS वाले मंत्रालय BJP अपने पास रखेगी और सहयोगियों को भी भरपूर जगह दी जा रही है। सहयोगियों से पहले बातचीत बाकायदा BJP कर चुकी है, कई दौर की बैठक कर चुकी है और लगातार न्यूज़ नेशन की नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। कौन होंगे वो संभावित चेहरे, लगातार हम आपको बता रहे हैं।